हाय गाइस, आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक दूसरी दुनिया में, जो कि है अभिलाषा की दुनिया थ्रू हर आर्ट एग्जिबिशन। एक ऐसी आर्टिस्ट जो बहुत ही खूबसूरती से जानती हैं कि इमोशंस को आर्ट में कैसे ढालते हैं। इन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र से अपने हाथ आर्ट की तरफ बढ़ा लिए थे, और सबसे अच्छी बात इस एग्जिबिशन की ये थी कि हमें इनके सारे आर्टवर्क्स देखने का मौका मिला, इनके चाइल्डहुड से लेकर अभी तक के, और साथ ही में मौका मिला उनसे कई सवाल पूछने का। आइए देखते हैं उन्होंने उन सवालों का कितनी खूबसूरती से जवाब दिया। आइए चलते हैं। आर्ट हम अपनी फीलिंग्स जब एक्सप्रेस करने लगते हैं, किसी भी मीडियम में एक्सप्रेस करने लगते हैं या चीज़ों को फील करते हैं, तो या तो हम लिखते हैं या बोलते हैं या म्यूज़िक करते हैं, गाते हैं, और या फिर चित्रों में उतारते हैं या फिर लेखन में उतारते हैं। तो यही मेरे लिए आर्ट है। और कोई भी कला हमें जीवन देती है, कोई भी कला हमें जीना सिखाती है। तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट में, अपनी जीवन शैली में और आर्ट को शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है कि वही सच्चा जीवन है, और बिना आर्ट के कोई जीवन नहीं है। मुझे बचपन से ही एनवायरनमेंट मिला कला का, क्योंकि मेरे माता पिता कलाकार रहे। तो जब भी मेरी मम्मा कॉलेज जाती थी, तो मुझे एक टेबल पे एक कागज़ और रंगों के साथ बिठा देती थी। तो मैंने चीज़ों को पहचानना शुरू किया, देखना शुरू किया, उनको ड्रॉ करना शुरू किया, और जो भी मोमेंट्स मुझे अच्छे लगते थे मैं उनको ड्रॉ करती थी। तो जो भी इमोशनल मोमेंट्स, जो भी जैसे गार्डन हैं, फ्लावर्स हैं, और लोगों के चित्र बनाना शुरू किया। फिर मुझे लगा जब मैं 12th तक आई, तो मैंने काफ़ी एरिया कवर कर लिया था ड्राइंग का, क्योंकि जैसे पोर्ट्रेट ड्राइंग है, लैंडस्केप है, ऑब्जेक्ट स्टडी है, वो तो मैंने मेरी माँ के साथ कॉलेज में ही कर लिया था। फिर मुझे लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो मुझे एनिमेशन की तरफ मेरी रुचि बढ़ी, और एज ए करियर मैंने एनिमेशन को चूज़ किया। मैंने हमेशा वैरायटी में काम किया, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो कभी बाउंड नहीं होता, किसी भी मीडियम में एक बंधा हुआ नहीं होता। मुझे लगता है बंधा हुआ उसको रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो सोल होता है अंदर से, वो हर चीज़ को इक्वली फील करता है, उसे एक मीडियम में कभी बंधना नहीं चाहिए। तो मैंने वैरायटी में काम किया है, और जब जिस टाइम मुझे जो मीडियम अच्छा लगता है, मैं उस मीडियम में काम करती हूँ। और मुझे सबसे अच्छा मीडियम डिजिटल लगता है, और डिजिटल में भी जो इंस्टेंट रैपिड इलस्ट्रेशंस होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो भी मोमेंट मुझे तुरंत फील होता है, जैसे मुझे फैमिली में कुछ किसी से मिलना अच्छा लगता है, तो उस मोमेंट को मैं तुरंत क्रिएट कर लेती हूँ। मैं ये इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि हम जो हैं वो बहुत रिजर्व रहना पसंद करते हैं आजकल, लेकिन सभी के अंदर फीलिंग्स होती हैं, और अगर हम इंसान हैं, हम जिंदा हैं, हमने जन्म लिया है, तो हमारे अंदर फीलिंग्स जो हैं वो टाइम टाइम पे रिलेटेड लोगों से, और सही गलत पे, और जितनी भी चीज़ें हमें फ़ील हो रही हैं वो एक्सप्रेस ज़रूर करनी चाहिए। तो आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करते हो, किसी भी कला में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं। और आप फीलिंग से ही एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो, आप फीलिंग से ही रिश्ते बना सकते हो, फीलिंग से ही आप एक दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हो, या मम्मी पापा के दिल में, या दोस्तों के दिल में, या फिर अपने आसपास सभी एनवायरनमेंट में आप अपनी जगह बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने भी यही कोशिश की है एग्जीबिशन में कि मेरी भावनाएँ लोगों तक पहुँचें और उनकी भावनाएँ मुझसे जुड़ें। यंग आर्टिस्ट को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जीवन में जितना ज़्यादा हो सकता है आप पॉजिटिविटी फील करें। नेगेटिविटी अगर जीवन में आ भी गई तो वो एक हिस्सा है, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ का पार्ट है, जैसे कि मेरा एक नेगेटिव पार्ट है गोल्डन पीरियड जिसको मैं बोलती हूँ, तो उस टफ फेज़ में भी मैंने एक विल पावर रखी। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक विल पावर होती है, वो सिर्फ हमें फील करनी होती है। तो उस विल पावर के साथ हम खुश रहें और एनर्जेटिक रहें, और किसी न किसी आर्ट में हमेशा अपने आप को मौजूद रखें। Thank you.